देखिए पहले बच्चों, आपकी बक्शी की प्रश्न की आपकी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम चैप्टर में जा रहे हैं बक्शी नंबर आपकी थर्ड। बक्शी थर्ड जो है बहुत आसान बक्शी है और बिल्कुल सेम पिछले वाले पैटर्न के ऊपर चलेगी। और जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल एज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है जिसमें शब्द लिखा हुआ नंबर 0.75, इसको चेंज करना है इस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करोगे? सबसे पहले इसकी डेसिमल का है, डेसिमल जब इसे काउंट करो 75 अपॉन में आपका हैंड। उसके बाद इस नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब इसको जब तक इस दोनों का कॉमन फैक्टर वन, कॉमन फैक्टर वन का मतलब आपको इसको तब तक काटना है जब तक दोनों के नंबर नहीं आ जाते, दोनों का जो कॉमन फैक्टर है आपका वन नहीं आ जाता, यानी कि किसी से वो दोनों नंबर डिवाइड नहीं होने चाहिए, एक ही नंबर के टेबल में नहीं आने चाहिए। जिसमें इनको काटता हूँ तो जिस 5 से मैंने इसको काटा, जब 5 से काटा बाद कितना आएगा, ये आपका आएगा 25 और ये आएगा आपका कितना 5। दोबारा कट कर मेरा 5 जा 5 4, तो आपका आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया 5/4 ही हो गया आपका आंसर। और ये हो गया आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे एक सवाल लिखा हुआ आपका माइनस का 3.14, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना कैसे करोगे? सेम वही पैटर्न आप इसका डेसिमल कर लीजिएगा, तो 3.14 अपॉन में आपका हैंडल। आप उसको काटते हैं, जब आप उसको काटते हो यहाँ से तो दूसरे कटे के सबसे पहले 2.5 जा और 0, दूसरे काटो 2.1 जा, 2.5 जा, 2.7, आगे किसी नंबर से जो है आपका नहीं हो रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होता है -157 अपॉन में 50। तो ये होगी आपकी कौन सी फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो यह क्वेश्चन फर्स्ट था, क्वेश्चन फर्स्ट में जो है आपको सभी के सभी नो के नो पार्ट है, आपको इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। जैसे आप एक क्वेश्चन और अपना देते हैं, जैसे क्वेश्चन है आपका 7 पार्ट है, आपका क्वेश्चन फर्स्ट का 7 पार्ट है, वो आपका लिखा 31.25, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे यहाँ से आपका 31.25 हम सिर्फ डेसिमल डालेंगे, यहाँ से तब फॉर्म में कितना बनेगा आपका हैंडल बनेगा। बस आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए, जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे यहाँ से तो 5 4 0, 5 करोगे 5 6 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 दोबारा कट रहे हैं तो 5 4 जा, 5 का तो कितना ये आपका है कितना 125। तो आपका आंसर कितना आ गया, यहाँ से आपका आंसर आ गया 160 125 4, ये हो गया का आंसर होगा। बस क्वेश्चन फर्स्ट जो है आपका सभी के सभी आप किसी पैटर्न के ऊपर बेस है, आपको उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जो कि आपने 6 में 5 में भी आपने किया था, ऐड करना है डेसिमल वाले नंबर को ऐड करना है। एक पार्ट हम करा देते हैं, इसका हम सेकंड थर्ड पार्ट करा देते हैं, किसमें सेकंड का थर्ड पार्ट थर्ड जिसमें कोई भी मिस्टेक नहीं लिख रहा हूँ, पहला लिखा 9.08, सेकंड लिखा जिसे मान लो 7.26, एक आपका लिखा हुआ यहाँ पे 2.868। देखिए आपको इसको ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे? देखिए आपको पता है डेसिमल की इधर वाला जो सिस्टम है उसको हम क्या बोलते हैं, वंस। जैसे ये आपका वंस, ये आपका टेंस, इधर चलेंगे तो आपका टेंस के बाद आपका हंड्रेड, हंड्रेड के बाद आपका थाउजेंड। बट डेसिमल के राइट साइड में जो नंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं टेंस, हंड्रेड्स, फिर आगे आपका थाउजेंड्स, फिर आपका 10,000, ऐसे आपका चलता रहेगा। जैसे आपने को ऐड करना है तो कैसे करोगे, 9.08, ओके। उसके बाद आप डेसिमल लगा लीजिए, डेसिमल के बाद कितना लिखा, डेसिमल के बाद लिखा 2 और 6, और डेसिमल के अंदर कितना लिखा होगा आपका 7 और आपका 1, क्यों? ये आपको वंस था तो वंस के नीचे वंस आएगा, टेंस के नीचे आपका टेंस आएगा, टेंस के नीचे टेंस आएगा, हंड्रेड के नीचे आपका हंड्रेड आएगा। उसके बाद आप कितना लिखा 2.868, देखिए 2 ये कहां लिखा आपको वंस पे, तो वंस आपकी कहां है, कौन सी वाली डिजिट होती है, ये वाली होती है। देखिए डेसिमल के अंदर वंस और टेंस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। ये आपका वंस, ये आपका टेंस, डेसिमल के राइट साइड में आपका टेंस, हंड्रेड, फिर आपका थाउजेंड होता है, अंडरस्टैंड। उसके बाद आप क्या करोगे, 8.68, ओके। उसके बाद अगर कुछ नहीं ऊपर यहाँ पे जीरो लगा लेंगे, यहाँ पे क्या लगा लेंगे, जीरो, बस आपको इनको ऐड कर देना है। जब आप इनको यहाँ पे ऐड करोगे तो आपको बनेंगे 8 0 2
फ्री हो गया तुम का आंसर हो गया। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका पूरा इसी के ऊपर बेस है, पूरा पैटर्न इसी पे बेस है। आपको जो डेसिमल नंबर गिवन है आपको क्या करना है, आपको उनको ऐड करना है। जैसे हमने इसको भी आपको ऐड करके दिखाया, बस आपको ऐसे लिखना है और आपको जस्ट उनको ऐड कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपको बहुत आसान है कि आप उससे आप करो। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपका, आपको क्या करना है, आपको उनको प्रोडक्ट प्रोडक्ट में सभी नंबर्स की क्या की मल्टीप्लाई करनी है। कैसे करोगे, जैसे आपका नंबर लिखा हुआ है 354 मल्टीप्लाई बाई 9.28, कैसे करोगे देखिए। कुछ नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ी देर के लिए डेसिमल को भूल जाओ, डेसिमल को भूल गए उसके बाद आप 9.28 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 34 से। 9.28 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 34 से। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आए उस पे हम डेसिमल लगा देंगे, कितनी डिजिट के बाद लगाएंगे। अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेसिमल काउंट करो, टोटल डेसिमल कितने देखिए, एक दो दो इसके पीछे और एक आपके ये, तो टोटल डेसिमल कितने हो गए, तीन डेसिमल हो गए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आए उसके अंदर हम तीन डिजिट के बाद क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। जैसे आपका एक और एग्जाम्पल, जैसे लिखा हुआ आपका ये लिखा है आपका 0.50 मल्टीप्लाई बाई 50। अगर आप उसको मल्टीप्लाई करें तो थोड़ी देर के लिए आप डेसिमल को भूल जाओ, यहाँ पे कितना 15 लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है आपका 15 लिखा है। जब मैं 15 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तब मेरा कितना बनेगा 225। अब मेरे को लगा है डेसिमल, और डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगा है, डेसिमल मेरे को लगा है यहाँ पे दो डिजिट के बाद, डेसिमल मेरे को यहाँ पे लगाना है। जब दो डिजिट के बाद मैं यहाँ पे डेसिमल लगाऊं देखिए 1 और 2, तो ये हो गया आपका आंसर हो गया। मान लीजिए यहाँ पे डेसिमल लगा होता तो क्या करते, तो आप करते 15 को 15 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते, सेम वही प्रोसीजर रहता है आपका। अब आपकी टोटल नंबर ऑफ डेसिमल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 डिजिट के बाद हम क्या लगा देते हैं यहाँ पे डेसिमल लगा देते, तो 1, 2, 3 एक आपकी जीरो यहाँ पे क्या लगता है हमारा डेसिमल, और ये हमारा क्या हो जाता आंसर हो जाता। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो थर्ड जो है आपका कंप्लीट आपका इसी पैटर्न के ऊपर आपका बेस है। जो क्वेश्चन नंबर जो फोर जो है आपका बच्चों वो है, क्वेश्चन नंबर फोर में आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करके दिखाना है। एक एक बार हम करा देते हैं क्वेश्चन फोर में, आपको यहाँ डिवाइड करके दिखा दें। जैसे आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.015 इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, इसको 3 से डिवाइड करना है। तो देखिए कैसे डिवाइड करेंगे उसको ध्यान से देखिए। जब आप इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो देखिए 0.015 डिवाइड बाई 3। सबसे पहले आप इसके यहाँ पे डेसिमल कर दीजिए, खाली आपके ऊपर में कितना आ गया आपका यहाँ पे 1000, अंडरस्टैंड। उसके बाद आप इसको यहाँ पे कर 3, 5, 50। देखिए आपका जो आंसर आएगा 5/1000, अंडरस्टैंड। बस आपको यहाँ पे डेसिमल लगना है, आप इसको काटिएगा मत, क्योंकि अगर आप उसको काट देंगे तो आपको फिर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। आप नीचे 3 0 पर नहीं तो आता है कि आप 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए, तो ये आपका हो गया 5, 1, 0, 2। देखिए 1, 3 डिजिट हो गए, यहाँ पे क्या लगाते हैं डेसिमल, और यहाँ पे 0 लगाना चाहो लगा सकते हो, नहीं तो आप उसको ऐसे छोड़ सकते हो। ये हो गया आप लोगों का आंसर हो गया। जिसमें एक पॉइंट इसका और करा रहा हूँ, एक पॉइंट इसका लिखिए लिखा हुआ आपका 0.024 इसको डिवाइड करना है आपको 0.008 से। देखिए आप इसको डिवाइड करना कैसे करोगे, देखिए ध्यान से। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.02472 डिवाइड बाय 0.008। जब मैं इसकी डेसिमल लगाऊंगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, तो देखिए डेसिमल पर कितनी जीरो लगाऊंगा, यहां पे मैं लगाऊंगा 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 0 यहाँ पे लगे 2, 3, 4, 5। जब मैं इस नंबर की यहाँ पे डेसिमल हटाऊंगा तो देखिए अकाउंट में कितना आएगा, अकाउंट में आपका आएगा 1000 आएगा। अब ये आपका 1000 अकाउंट में है, आपका 1000 कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका 1000 कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर। अब जो कटता है आप उसको काट लीजिएगा, देखिए 3 0 3 0 क्या हो गया आपके यहाँ पे कैंसिल हो गई। जब उसको काटोगे यहाँ पे तो 8 3 8 9, अंडरस्टैंड। उसके बाद देखिए नीचे कितना आपका यहाँ पे बच गया 309, और अकाउंट में कितना बच गया आपका 100। अब आपको यहाँ पे दो डिजिट के बाद क्या लगानी है, आपको डेसिमल लगानी है, तो 1, 2, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाओगे तो 3.8
09 ये होगा आप लोगों का आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ जो है कंप्लीट आपके स्क्रीन पर बेस है जो कि अब आप मुझसे आगे कर रहे हैं। क्वेश्चन फाइव में क्या करना है आपको इवेल्युएट द फोर यानी जो ऐड हो जाए तो ऐड कर लो और जो सब्ट्रैक्ट हो जाए पहले उनको सब्ट्रैक्ट कर लो। बट उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से पहले सबसे पहले इस पे ध्यान देना आपको बी ओ डी एन ए एस इस फॉर्मूले ध्यान रखना। सबसे पहले आपकी ब्रैकेट सॉल्व होगी ब्रैकेट के बाद आपका ओ के बाद आपका डिवाइड डिवाइड बाय मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई के बाद आपका एडिशन एंड एडिशन के बाद आपका सबट्रैक्शन आप इसी पैटर्न पर आपको चलना है। जैसे एक क्वेश्चन करा रहे हैं क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है 6.05 प्लस 5.01 ब्रैकेट क्लोज आगे है आपका -12.5 -0.09 देखिए ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। मैंने आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा ब्रैकेट के अंदर आपका लिखा हुआ है 6.05 प्लस 5.01 जब आप दोनों को ऐड करोगे तो अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाए तो आप इधर साइड में करोगे 6.05 इधर आपका 5.01 बस ध्यान रखना है 1 से नीचे 1 आएगा 10 से नीचे 10 100 से नीचे 100 आएगा। अब जब दोनों पॉइंट होगी 6011 ये कितना आ गया 11.06 आ गया। बीच में सिंबल आपका माइनस का है सॉल्व करने के बाद हम ब्रैकेट रिमूव कर देंगे उसके बाद आपका 12.5 में से कितना माइनस का है इसमें मैं माइनस करूंगा कितना 0.09 देखिए पहले पॉइंट का नहीं है अब पॉइंट के बाद क्या लिखा आपका 0 और फिर क्या लिखा आपका 9 और यहाँ कुछ नहीं करेगा लगा देंगे 0 अंडरस्टैंड और यहाँ पर कुछ नहीं करेगा लगा तो 0 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लेंगे 10 प्लस 9 गए तो 1, 4, 2 और 1 तो आपका यहाँ से कितना आया आपका आया 12.41 आया। उसके बाद आपको यहाँ पे 11.06 में से कितना माइनस करोगे 12.41 देखिए ये नंबर आपको बड़ा है ये नंबर आपको छोटा है यानी कि प्लस की वैल्यू छोटी है माइनस की वैल्यू आपकी बड़ी है यानी एक नंबर प्लस का एक नंबर आपका माइनस का है। अगर एक प्लस एक माइनस का नंबर तो ऑब्वियस आपका सब्ट्रैक्ट होगा बट ध्यान रखना आपको बड़े में से आपको छोटा नंबर माइनस करना है। अगर माइनस का बड़ा है उसके आगे सिंबल लगा देंगे माइनस का लगा देंगे यानी कि आप माइनस करोगे 12.41 में से कितना माइनस करोगे आप यहाँ पे 11.06 जब माइनस करोगे यहाँ से तो 5, 3 और 1 तो कितना बचा यहाँ पे आपको बचा 1.35 और ये किसका बचेगा ये बचेगा और माइनस में क्यों क्योंकि यहाँ पे माइनस की वैल्यू बड़ी है और प्लस की वैल्यू हमारी यहाँ पे छोटी है अंडरस्टैंड। अब देखिए ये आपका फोर्थ पार्ट था क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का एक पार्ट हमेशा और बाकी सारे आसान है या आप उनसे कर ही लोगे बाकी सभी क्वेश्चन आसान है ऐड करना और उनको आपको समझा करना उनको सब्ट्रैक्ट करना है बस इसका ध्यान रखना पहले ब्रैकेट आएगी उसके बाद आपके नीचे वाले ऑपरेशन अप्लीकेबल होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपका देखिए फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो कह रहा है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेस आपको सिंप्लीफाई करना है जब उसको देखिए जैसे मैं करा रहा हूँ यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट देखिए 1/2 प्लस 1/5 प्लस 0.65 6.25 प्लस नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है 0.25 देखिए देखिए ये पार्ट भी आपके डेसिमल में है ये पार्ट भी आपके डेसिमल में बट ये वाले पार्ट आपके डेसिमल के अंदर आपके फ्रैक्शन के अंदर है तो सबसे आसान है आप इसको भी किस में चेंज कर लो आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो जब आप 1/2 से डिवाइड करोगे तो आपका बनेगा यहाँ से 0.5 बनेगा प्लस जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ से बनेगा आपका 0.2 आपको पता है जैसे यहाँ पे 1 को डिवाइड करना है किससे डिवाइड करना है 5 से डिवाइड करना है तो 1 छोटा हो गया 5 आपको बड़ा हो गया यहाँ पे क्या लगाएंगे डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे क्या लगा लेंगे 0 और 5 को जो कितना हो गया हमारा 10 तो यानी कि जब इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा कि हमारा बनेगा 0.2 प्लस ये बन गया आपका 6.25 प्लस आपका बन गया 0.25 बस आपको इनको क्या कर देंगे सभी को आप ऐड कर दो ऐड कैसे करोगे जैसे आपका लिखा होगा 6.25 उसमें बड़ा नंबर आगे लिख लीजिए उसके बाद आपका 0.5 यहाँ लगाओ और फिर लिखा 25 और फिर उसके बाद आपका 0.5 और 0.2 आगे यहाँ पे क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे अगर आप बन गए 10 4 तो 6 प्लस 11 12 तो ये 6 हो गए 7
तो आपका आंसर कितना हो गया, आपका आंसर हो गया 7.20। जैसे आपका नेक्स्ट है आपका सेकंड जो पार्ट है, देखिए ये आपका लिखा हुआ जैसे 2/5, देखिए ये आपका लिखा हुआ है 2/5 -1/4 +8.1 मल्टीप्लाई बाय 2.7 बाद आपका माइनस का सॉरी डिवाइड आपका लिखा हुआ है डिवाइड 0.0। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको लिखा था DODMAS, देखिए बोर्ड में सब देखिए 2/5 -1/4 प्लस, देखिए आप हमेशा सबसे पहले आपके डिवाइड आ गए नहीं, सबसे पहले आपके क्या आ गए आपकी ब्रैकेट आ गई, सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है सबसे पहले हम उसको यहाँ पे सोल्व करेंगे। जब आप उसको सोल्व करोगे तो आप 81 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे किससे, 27 से। जब मल्टीप्लाई आप करोगे यहाँ से तब आपका आंसर यहाँ से आएगा 7, 8, 1 and 2, तब आपको बनेगा 2187, देखिए 2187। अब आप डेसिमल लगा रहे हैं, कितने डिजिट की बात लगा रहे हैं, मैंने आपको समझाया था अभी डिजिट आप काउंट कर लो तो 1 और 1 2 टोटल डेसिमल लगाएंगे हम दो डिजिट के बाद, तो 1 और 1 2 डिजिट में डेसिमल लगाएंगे हम, अंडरस्टैंड। उसके बाद डिवाइड में कितना लिखा था, उसके बाद डिवाइड में लिखा था 0.09। यहां तक की समस्या हो गई, चलते हैं। अब उसके बाद 21.87 को डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 0.09 से। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो आप सेट कर लीजिए, देखिए जो डिवाइड शो करेंगे सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है आपका डिवाइड, डिवाइड के बाद क्या आता है आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है। जब उसको डिवाइड करोगे तो 21.87 को डिवाइड किससे करेंगे, 0.09। तो देखिए जब आप यहाँ पे डेसिमल हटाओगे तो 19 में कितना आएगा, 100। जब इसकी डेसिमल हटाओ तो इसके अपॉन में कितना आएगा, 100 आएगा, 100 घर चला जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा, यानी कि 100 से 100 आपका क्या हो गया, आपका कैंसिल हो गया। अब डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, देखिए 9 2 18, 9 4 9 3 27। अब आपको यहाँ से बन गया 2/5 -1/4 और आपके यहाँ प्लस का कितना बच गया यहाँ पे 243 रह गए। इसके बाद आप यहाँ पे ऐसे मत लीजिएगा, आप इनको डायरेक्ट इनको फ्रैक्शन में चेंज कर लो या सॉरी इनको डेसिमल में चेंज कर लो। जब आप इसको यहाँ पे डेसिमल में चेंज करोगे तो जब आप 2/5 से डिवाइड करोगे, जब हम डिवाइड करेंगे 2/5 से डिवाइड किया और डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे 0 तो 5 4 जब कितना हो गया यहाँ पे 20 हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे अपना आ गया 0.4। जब इसको 1/4 से डिवाइड करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे कितना आ गया आपका बनेगा 0.25 और प्लस कितना लिखा आपका 243 लिखा है। अब जो पहले प्लस किया आपको पहले ऐड कर लीजिएगा, जब 243 के अंदर 0.4 ऐड करोगे, 243 के अंदर आपको 0.4 को ऐड करना है, थोड़ा ध्यान से ऐड कीजिएगा, देखिए 243 के अंदर कितना ऐड करना है, मेरे को ऐड करना है 0.4। तो देखिए पॉइंट के ध्यान लगा तो यहां पे 0. कितना ऐड करना है आपको, 4 ऐड करना है तो कितना आ गया 243 पॉइंट में आपका। अब इसके अंदर से कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं 0.02 और यहाँ पे आपका 5, यहाँ पे क्या लगाएंगे 0, यहाँ पे चलेगा आपका 5, 1, 3, 4, 2 और ये क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है 6 जो है बच्चे का आपका सेम आप इसी पैटर्न पर कैसे, जो पहले मल्टीप्लाई और पहले आप उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसके बाद आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कीजिए। अगर मल्टीप्लाई के अलावा अगर पहले डिवाइड आ रहा है तो पहले आप डिवाइड कीजिएगा, उसके बाद आप फिर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसके बाद फिर आप प्लस माइनस कीजिएगा, अंडरस्टैंड। 6 पार्ट हम सॉल्व करा देते हैं, ध्यान से देखिएगा एक बार, आसान क्वेश्चन है, सिर्फ जितने भी बड़ा लेंथी लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का है बच्चों, आपका 6 का 6 पार्ट ये लिखा 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/4, आगे लिखा आपका प्लस 1/45 मल्टीप्लाई बाय कितना आपका 1/2 -2/10
मल्टीप्लाई में करूंगा भाई 5। देखिए मैंने आपको भी बताया था, मैंने आपको सिखाया था बी ओ डी एन ए एस। देखिए तो उस पहले आप चेक कीजिए, देख यहां पे है नहीं है ब्रैकेट, उसके बाद वो ओ भी आपका नहीं है, डिवाइड भी आपका यहां पे नहीं है, सो उस पर नंबर किसका आया मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले आप ऑपरेशन यहां पे किसका करोगे, मल्टीप्लाई का करोगे। तो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 3 2 जा 6, या फिर अगर आप यहां पे काटना चाहते हो तो काट भी सकते हैं। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब इनके आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 मल्टीप्लाई 1 3 5 2 जा हो गया आपका 10। आगे बढ़िएगा प्लस, कोई नंबर यहां पे आपस में कैंसिल नहीं हो रहा, तो 1 कौन से मल्टीप्लाई किया, तो 1 25 को कैसे मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे आया आपका 50। देखिए यहां पे जब इसको जब यहां पे कैंसिल करोगे तो 2 1 2 2 5 जा 10, यहां से आपका बन गया -1/25। इसके बाद दो तरीके, या तो आप इनको डेसिमल में चेंज कर लो, या फिर आप इनको यहां पे इनका एलसीएम लेके इनको ऐड कर दो। डेसिमल का थोड़ा इजी पार्ट रहेगा, एलसीएम थोड़ा सा आपका लेंथी हो जाएगा। ठीक, जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो यहां से ये आपका होगा 0.3, ये यहां से आपका बनेगा 0.02। कैसे बनेगा वो देखिए, इसे दिखाएं आपको, ऊपर यहां पे लिखा आपका 50, तो 50 बन जा। देखिए पहले तो यहां पे कोई डिवाइड नहीं होगी, 1 हमारा यहां पे छोटा है, कितने हमारा यहां पे बड़ा होगा, पहले यहां क्या लगेगा वो डेसिमल लगेगा, इसके बाद यहां पे 0 आ गई। अब आपका नंबर डिवाइड हो रहा है, आपका डिवाइड नहीं हो रहा, अब डिवाइड नहीं होने के नाम यहां पे क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, यहां से 0 0 उतार लेना, और 52 जो कितना हो जाएगा 100 हो गया, यही मैंने यहां पे लिखा है। उसके बाद यहां पे मैं 1 को डिवाइड करूंगा किसके साथ, 25 के साथ। जब 25 के साथ उसको डिवाइड करोगे तो अब डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, तो यहां पे लिखा रहा है डेसिमल, और यहां पे क्या है 0 10। अब भी डिवाइड नहीं हो रहा है हमारा, नहीं डिवाइड होने के नाम पर लगाएंगे यहां पे 0, और यहां पे 1 0 आपकी और आ गई, और 25 हो जाए कितना हो गया आपका 100 हो गया, और यहां पे कितना है आपका ये आ गया 0.04, और आप इन सभी को क्या कर रहे हो यहां पे ऐड कर दिया। तो किसी को 6 रहते हैं तो इसी पे पर आपका बेस है, बस आपको फॉलो अप को और करना है डीओडी एमएस, यानी पहले अगर आपकी ब्रैकेट आ रही तो पहले ब्रैकेट यूज कीजिएगा, अगर पहले आपका ऑफ आ रहा है तो पहले ऑफ कीजिएगा, डिवाइड उसके बाद मल्टीप्लाई उसके बाद एडिशन उसके बाद आपका सबट्रैक्शन। तो प्यारे बच्चों आज आपकी क्वेश्चन कंप्लीट कंप्लीट हो चुकी है, आपका थर्ड चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अपनी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।